यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वं एतद्विश्वं अधितिष्ठत्येको गुणा च सर्वान् विनियोजयेद्यः यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यां च सर्वान् परिणामयेद्यः सर्वं एतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणा च सर्वान् विनियोजयेद्यः यच्च यद्यपि भी नपुंसक प्रयोग कर दिया एनो यह ले लेना। परमात्मा परमेश्वर पुल्लिंग होता है, अंत में भी का योजये यह मंत्रांत में क्या है, यह पुल्लिंग है, अतएव आरंभ में भी यह ही लेना है। छांदस यत प्रयोग हो गया है, अर्थ यह जो परमेश्वर स्वयं विश्वयोनि पचति, स्वयं जो है पचति पकाता है, निष्पादयति निष्पादन करता है, किसका निष्पादन करता है, विश्व का जगत का जो कारण है उसका भी निष्पादन करता है। परमेश्वर वह है तत्व जो जगत के कारण के भी स्थिति के अस्तित्व के प्रति अधिष्ठान है। जगत के कारण कौन है, माया अविद्या, उसका भी अधिष्ठान है ना ब्रह्म परमात्मा। इसलिए कहते हैं जो विश्वयोनि पचति स्वभावम, यथा अग्नि में उष्णता स्वभाव है, उसे परमेश्वर का स्वभाव है और विश्व का भी कारण का अधिष्ठान हो गया, और इसलिए वह योजये द्यः परिणामये द्यः जो पाच्यांश सर्वान् परिणामयेत्, पाक के योग्य सभी माने भोग के योग्य, पकाने योग्य मतलब के भोगने योग्य जितने भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि तत्व हैं, इन सकल को भी पाच्यांश सर्वान् परिणामयेत्, उनके भी परिणाम माया से स्वतः नहीं हो जाता, उस ब्रह्म के प्रेरणा से ही होता है। चेतन परमेश्वर की प्रेरणा से ही माया जगता कारण परिणत होते रहता है। अतः पाच्यांश सर्वान् यह परिणामयेत्, परिणाम कराता है। सर्वम् एतद् विश्वम् एको अधितिष्ठति, और माया का अधिष्ठान होकर माया से उत्पन्न करा के संपूर्ण जगत का अंदर सभी में अनुप्रवेश करके सभी का नियमन भी वही कर रहा है। ये सब करते हुए भी वही एक ही है, न तो द्वितीय। एक सन सर्वम् एतद् विश्वम्, ये संपूर्ण विश्व को अधितिष्ठति, वह नियमन कर रहा है। गुणांच सर्वान् विनियोजयेद्यः, और सत्रस्तम इत्याकारक जो गुण है इन सभी को भी अपने अपने कार्य की ओर विनियोग करते रहता है, लगाए रखा हुआ है। यदि गुणों का परिणाम में लगा है ना, तो जगत में कार्य का परिणाम भी नहीं होगा। से गुण परिणाम द्वारा जगत आकर कार्य परिणाम को करा रहा है, उस माया के माध्यम से स्वयं ईश्वर प्रेरणा देते हुए करता है। भाष्य यच्च स्वभावमिति, यच्च यश्चिति लिंग व्यत्यय, यश्च कर गया लिंग व्यत्यय करना है। स्वभावम यद अग्नि रोशनम, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्ण है था, और उसका स्वभाव है जो भी अग्नि में डाले उसको पका देता है या भस्मी करा दे, पकाते 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 भस्म कर देगा, भस्मांत तक की अवगति है उसका। ये पचति के इसलिए क्या करूंगा, दार्ष्टांत में निष्पादयति, किसका निष्पादन करते हैं, विश्वस्य जगत योनि, जगत का भी जो कारण है अर्थात माया है, उसका भी स्वरूप निष्पादन ब्रह्म से ही होता, परमात्मा से ही होता। और
पाच्यांश्च मैंने पाक योग्यान सर्वान, पाक के योग मैंने भोग के योग्य, इन भौतिक पदार्थों का निष्पादन वही परमात्मा करता है। पृथिव्यादीन परिणाम एत्य सकल सर्वान मैने पृथ्व्यादि पांच भूत और उनका भौतिक कार्य सब गवाह निष्पादन करता है। सर्वमेत विषम तिष्ठति, केवल उत्पन्न करके छोड़ देता है ऐसा नहीं है कि उत्पन्नवान वस्तुओं को नियमित रूप से संचालन भी करता है, नहीं तो आप इसे टकरा जावे ग्रह नक्षत्र तारा है सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी ब्रह्मांड का। इन सभी अपने अपने ध्रुव में रहते हुए अपनी अपनी परिधि में चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, आपस में कभी ग्रह नक्षत्र तारे टकराते नहीं। कोई कोई अपना परिधि को छोड़ भी देते जो पुच्छल तारा कद गिर जाता है कहाँ जाएगा, वो भी समुद्र में विलीन हो गया। इसलिए कहते देखो ये सब नियमन कर रहा है, और गिर भी जाए कोई दूसरे को हानि पहुंचाए बिना ऐसे गिर जाता है, उसके रास्ता ऐसे दिखा देते भगवान ऐसे ऐसे जाओ तुम। अच्छा उपग्रह गिरता आपने देखा, इन स्केला 1980 में गिरने जा रहा था, बुरी विश्व में हाहाकार मच गया, स्केला गिरेगा तो बहुत विनाश होगा। और गिरना भी कहा था उसने, विदेशियों ने ऐसी चाल चल दिया कि वो आकर के यहाँ भारत के बे ऑफ बंगाल में गिरना, भारत में गिरना था वो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने लग गए बेंगलोर में और वो क्या श्रीहरिकोटा वगैरह में और उसको धकेल दिया उस तरह, वो जाके समुद्र में गिर गया। ऐसे यहाँ से नियंत्रण करके उसको उस तरफ कर दिया। ईश्वरीय प्रेरणा ऐसे होता है देखो, नहीं तो गिर जाता कहीं पर। उड़ीसा में उस समय तो सब बहुत लोगों ने जमीन जायदाद बेच दिया, मरना है अब क्या करना है रख करके, तो बेच दो खाओ पियो मौज करो। अब बाद में पता चला तो समुद्र में गिर गए, सब जिंदे रह गए, अब परेशान हो रहे, अब कहाँ से लाए संपत्ति दोबारा, कौड़े के भाव में बेच तो दिए। इसीलिए ऐसी स्थिति में भी देखो परमात्मा की जो ऐसा व्यवस्था है, भौतिक वस्तु मनुष्य से निर्मित उपग्रह उसका भी नियंत्रण करने योग्य बुद्धि चला देता है आदमी का, और उसको अपने आप को किनारे गिरा दे, टकराने नहीं दिया कहीं भी किसी के साथ। इसलिए कहते हैं सर्वमेत द्विषम अधितिष्ठति एको, और गुणांश सर्वान के लिए बोल रहे, गुणांश मैंने कौन से गुणान, सत्रजस्तम तमो रूपान, सत्यतम रूपा इन सगल गुणों को विनियोजयेद्य, इस प्रकार के लक्षण वाला वह परमात्मा है, तत्पदार्थ की व्याख्या चल रही है। दूसरे मंत्र से 2, 3, 4, 5 ये भी तत्पदार्थ है, 6 में भी तत्पदार्थ आ रहा है, 7वें से त्वम पदार्थ। तद्वेद गुह्योपनिषत् सुगूढ़ं, तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम्, ये पूर्व देवा ऋषियश्च तद्विदोस्, ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। तद्वेद गुह्योपनिषत् सुगूढ़ं, तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम्, ये पूर्व देवा ऋषियश्च तद्विदोस्, ते तन्मयामृता वै बभूवुः। तत् जो प्रकृत आत्मस्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको जो कि कहाँ छिपा हुआ है, वह तत्व का सब लोग क्यों नहीं जानते, क्योंकि उपनिषदों में छिपा पड़ा है, हर एक ग्रंथ में नहीं मिलता है। सारे स्कूल पढ़ाई हो जाती, डिग्री पढ़ाई हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान होगा किसी को? ये ज्ञान बड़ा कठिन काम। अब पढ़ रहे हैं उपनिषद, उन्हें भी ब्रह्मानुभूति नहीं, इसे कहते वेद गुह्योपनिषद सु, जो गुह है उपनिषदों में, ऐसा आत्म तत्व परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व को यो वेद,
गूढ़म अत्यंत छिपा हुआ है, उसको ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम, उसको ब्रह्मा मने हिरण्यगर्भ वही उस परमात्मा को अनायास जान पाता है। निकटतम प्रथम कारण प्रथम अजय, जैसे बेटा बाप को पहचानता है ऐसे हिरण्यगर्भ प्रथम बेटा है परमात्मा का, वो अपने पिता और परमात्मा को पहचानता है। ब्रह्मा मने हिरण्यगर्भो वेदते मने जानाती, किम जानाती ब्रह्म योनिम, या ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद है प्रमाण जिसका, उपनिषद है प्रमाण जिसका, ऐसा जो उपनिषदों में कहा गया परमात्म तत्व को जानता है। वह जानने से क्या लाभ हुआ उसको? हिरण्यगर्भ ने अपने कारणभूत अपने पिता जैसा कारणभूत परमात्मा को जान लिया, उसे क्या मिला उसको? वह अमर हो गया, मोक्ष हो गया। केवल वही नहीं, ये पूर्व देवा ऋषयश्च तद्विदुहो, जो पूर्व में देवता लोग उस परमात्मा को जान लिए हैं, जो ऋषि लोग उस परमात्मा को जान चुके हैं, और जो मनुष्य लोग भी उस परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं, वे सब के सब अमृत हो गए, अमृत को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। के तन्मया संता, वे ब्रह्ममय हो जाते हैं और अमृता वही बबुहो, निश्चित रूपेण अमर भाव को प्राप्त होते हैं, मन उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा वह तत्पदार्थ है जिसको जानने का फल एकमात्र मोक्ष है। तत् भाष्य किंचा, और भी बात सुनो, वह तत्पदार्थ ब्रह्म तत्व कैसा है? तत् मैंने प्रकृतम आत्मस्वरूपम, जो प्रकृत है सबका अपना अपना आत्मस्वरूप वही परमात्मा है। इसे कथाकार लोग बोलते जो आत्मा है सो बोलो क्या है सो, सब लोग बोलते परमात्मा है, ऐसे बोलवाते कथाकार लोग। और जो परमात्मा है वो क्या है सो, मैं हूं, बोलो बोलवाते कथाकार लोग, मैं हूं सो परमात्मा, जो सो परमात्मा है सो मैं, अभेद एक ही है। उसको आत्मस्वरूप को वेदानाम गुह्योपनिषदों, वेदों का जो अत्यंत गुह्य रहस्यपूर्ण भाग है वेदों का है, वो है उपनिषद भाग। वेदों को प्रमुख रूप में तीन भागों में बांट के समझा जाता है, कर्मकांड भाग और उपासना कांड भाग और ज्ञान कांड, जिसको उपनिषद भाग कहते हैं। वो अत्यंत गुही है, रहस्यपूर्ण है, इसको समझना भी बड़ा कठिन। ये सब कथा कहानी है, और कथा कहानी होने से लोग समझते तो बेकार है, इसलिए आर्य समाज जी बोलते हैं कथा कहानी में कोई प्रमाण नहीं मानते, मैं कथा कहानियां है क्या प्रमाण हो, अप्रामाणिक बोल देते, यही इसकी गुहियता है। पढ़े लिखे भी उसको अप्रमाण मान के छोड़ देंगे, कि उनका मोक्ष होना नहीं है ना, उनके भाग्य में मोक्ष है ही नहीं, इसलिए प्रमाण को अप्रमाण मान करके छोड़ देते हैं। और जिनके भाग्य में मोक्ष है वो इसको प्रमाण मान के इसको स्वीकार करके इसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उसका चिंतन करते हैं, ध्यान भजन समाधि लगा देते इसी को लेकर के, ये विशेषता है। इसलिए कहते हैं वेदानम गुह्योपनिषदो, वेद गुह्योपनिषद तासु, वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म समृतम, जो छिपा हुआ है तत् उस तत्व को ब्रह्मा ने सबसे पहले जाना। कौन है वो ब्रह्मा? हिरण्यगर्भ, जिसको हिरण्यगर्भ नाम से भी कहते, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ऐसे उपनिषद वेद के मंत्र में आया हुआ है। सबसे पहले संसार में हिरण्यगर्भ नाम का जीवात्मा अभिव्यक्त हुआ था, प्रकट हुआ था, वह उसको जानता है। वेदते मने जानाती, किम जानाती ब्रह्म योनिम, वेद प्रमाणकम ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, वेद है प्रमाण जिसका, ब्रह्म योनि मने वेद योनि, वेद योनि वेद प्रमाण वाला, वेद ही एकमात्र प्रमाण है जिस तत्व, ऐसा तत्व परमात्मा तत्व,
अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि प्रमाणों से वह ब्रह्म तत्व जाना नहीं जा सकता। एकमात्र श्रद्धा पूर्वक उपनिषदों को गुरु परंपरा से सुनो, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ के चरणों में बैठ करके जो गुरु परंपरा से पढ़ा हुआ है उसे सुनना, पंडितों से नहीं सुनने के लिए कहा। ये ब्राह्मण पंडित आदि सुनने से कोई लाभ नहीं होता। शब्दार्थ ज्ञान तो हो सकता है, आप ये बढ़िया बोलने वाले बन सकते हो, इन अनुभूति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, वो श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ नहीं हो सकता है। इसे श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ गुरु मेवा भी गच्छेत का है ना, उसमें भी वेदांत को जो जी रहा है उसे सुनना पड़ता है। अंत में ऐसे महात्मा से मिला दिए, काम बन गया हमारा। अच्छा, आपके अंदर दृढ़ विश्वास और लक्ष्य पक्का होना चाहिए तो सदगुरु मिल जाते हैं। इसलिए बड़ा कठिन तो है मार्ग, लेकिन अपनी श्रद्धा निष्ठा के ऊपर निर्भर है। तो वेद ही है एकमात्र प्रमाण जिसका, ऐसे तत्व को वह हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले जाना। अतः दूसरा अर्थ, ब्रह्म योनि मने ब्रह्मणो मने हिरण्यगर्भस्य योनि तारस योनि वेदस्य वा ये पूर्व अथवा वेदों का भी जो कारण है ब्रह्म सूत्र लाए शास्त्र योनित्वात् शास्त्रस्यापि योनि इति शास्त्र योनि शास्त्रमेव योनि यस्य प्रमाणमस्य बहुरी समास भी किया, दोनों वालिया था ना, दोनों पक्ष ने दिखा दिया। शास्त्र मने वेद ही एकमात्र प्रमाण जिसका, ऐसे तत्व का नाम ब्रह्म तत्व आत्म तत्व परमात्मा। अथवा वेदों का भी प्राकृतिक कारण कि श्रुति ने कहा ना, तस्यस्य महतोभूतस्य निश्वसितम एतद्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद ईशान वेद अथर्वेद अंगरस इत्यादि, उस परमात्मा की निश्वास के समान वेद प्रकट हुआ है। अच्छा, परमात्मा वेद प्रकट के प्रति कारण ये भी कहा गया था, दोनों पक्ष लेने घटा दिया इन्होंने। अच्छा, और था इतना ही नहीं, ये पूर्वे पूर्वकाले देवाः रुद्रादयः ऋषयश्च वामदेवादयः तद्विदो उस तत्व तत्व परम तत्व को जानते हैं, ते तन्माया तदात्मभूतः ये तन्मयाः, तन्मय मैंने वे आत्मभाव को ही प्राप्त, तन्मय ने ब्रह्ममय हो गए। ब्रह्ममयम रे रे इदम सर्वम ब्रह्ममयम रे, ब्रह्ममय हो गए वो तन्मयाः। तन्माया है पाठ कहीं गलत है, तन्मया होनी चाहिए, मंत्र में तन्मय शब्द है ना, जैसे तन्मया तद आत्मभूत है इत्यर्थ, तन्मय करते तद आत्मभूता संतो हो करके अमृता अमरण धर्मानो बभुभु अमरण धर्म वाले हो गए, जैसा वे लोग हुए पूर्व अनादिकाल से अभी तक, ठीक इसी प्रकार से इदानीं तनोपि आजकल का ये इंसान भी उपनिषदों के ज्ञान को गुरुमुख से प्राप्त करके चिंतन ध्यासन करेगा, वह भी इदानीं तनोपि तमेव विदित्वा उस आत्मा को जान करके ही अमृतो भवती। वाक्य शेष वाक्य से जोड़ लेना, आजकल का आदमी भी निश्चित रूपेण उस आत्म परमात्म तत्व को एकत्व ने जान करके अवश्य अमृत भाव को प्राप्त कर सकता है। ये तावता तत्पदार्थ उपवर्णिता। अगले मंत्र के अवतरण का में कहते हैं, पांच मंत्रों से पहला वाला तो भूमिका था और बाकी पांच तत्पदार्थ का व्याख्यान किया था। एतावता तत्पदार्थ उपवर्णिता अत इदानीं तम पदार्थ उपवर्णयितु उत्तरे मंत्राः प्रस्तुयन्ते, और अब तम पदार्थ का उपवर्णन करने के लिए इसे आगे का मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। क्या क्या है देखिए, अगले तम पदार्थ का वर्णन करने जा रहे हैं। गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव सच्चोपभोक्ता सविश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणादिपसञ्चर्य स्वकर्मभिः
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणादिपः संचरति स्वकर्मभिः। गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता, यह मैंने जो गुणों से उपाधियों से विशिष्ट उपहित वो जीवात्मा तम पदार्थ, जो गुणों से परिच्छिन्न हो गया, गुणों के विकार की लपेट में आ चुका है और फल पाने के लिए कर्म को करने वाला हो गया है। स्वर्ग आदि फल पाने के लिए जो कर्मों का कर्तृत्व स्वीकार किया और कृत कर्मों का तस्व कृतस्य उन्हीं कृत कर्मों को लेकर के सच उपभोक्ता पजीव स्वयं उपभोग करता है। ये कभी ना सोचें आप कर्म करोगे तो भोग दूसरा करेगा, ऐसा नहीं, दूसरा भोग सीधे नहीं करता है, बड़े मुश्किल होता है। आपका पाप का भागी दूसरे को बनावे आप, ये आसान नहीं है। एकमात्र तरीका दान से होता है, दान के माध्यम से अपने पाप को आप बाल लोगों को बांट सकते। नारद जी गए दस्यु नामक, दस्यु रत्नाकर था ना, रत्नाकर नाम था, रत्नाकर डकैत। नारद जी पहुंचे, पूछे उसे उद्धार करने के लिए, भाई तुम इतने पाप कर रहे हो और कमा रहे हो किसके लिए? मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये सब। अच्छा चलो अपने पत्नी बच्चों से पूछो, तुम जो पाप करके हिस्सा वो लेने को तैयार हैं, लेते कि नहीं लेते? सभी ने कहा हम क्यों लेंगे, तुम्हारा काम है, तो ईमानदार से कमा के ला या ठगाई करके धोखा दे कमाए, तुम्हारा खेड़क है ना। तुमने हमको विवाह कर लिया और हमसे बच्चे पैदा कर दिया और तुम्हारा ड्यूटी है, इस तुम पाप करके लाओगे, पाप का भोग तुम ही करना, हम नहीं कर। पत्नी बच्चों ने सबने मना कर दिया। अरे दिमाग ठने कि हे नारद ये क्या हो रहा है, हम तो सोच सब बांट लेते होंगे, जैसे जो सामान लाते हैं सब बांट के खाते, अब ये पाप कोई बांट खाने को तैयार नहीं, कि विचित्र मामला कहते, मामला विचित्र नहीं ऐसा ही होता। इसीलिए अब सोच लो इतना पाप कर चुके हो, तो नारद जी शरण में गए, आप ही कृपा करो बताओ कोई रास्ता। उन्होंने राम राम बोला तो वो भी वही बोल रहे, मरा मरा बोल दिया, तो क्या वैसे जप ले तो मरा मरा करते थे, राम राम हो गया, वाल्मीकि बन गया। इसलिए पाप या पुण्य का भोगता दूसरा नहीं होता, ऐसे कोई हिस्सेदार नहीं बनता इस चीज के, बाकी सब चीजों के हिस्सेदार होते हैं लेकिन इसका कोई हिस्सेदार नहीं होता। अब हिस्सेदार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ही तरह के दान दो। आपने दान लिया मन उसके पाप के हिस्सेदार हो गए। अब फिर पाप काटने के लिए आपका काम है गायत्री का जाप करो, ब्रह्म चिंतन करो, ये ब्रह्म चिंतन सबको भस्म कर देता है। वेदांत चिंतन के इतने दम है, पहाड़ जैसे पाप आ जाए तो भी भस्म हो जाएगा, कि हम ब्रह्मास्म के चिंतन, जीव ब्रह्म एकत्व के चिंतन होता है। इसे भेद को खत्म कर रहे हैं तो पाप कहाँ से आएगा पास में आपके, भेदाभाव का चिंतन हो रहा है इसे नहीं आ सकता। सर्वे पापन प्रदुयन्ते आया था ना सुबह के पाठ में, सारे पाप जल के राख हो जाएंगे। इसलिए रोजाना कम से कम एक घंटा वेदांत श्रवण करो, ताकि जितने भी दिन भर में तुमने पाप कमा है सब स्वभाव हो जाए। कृतस्य तस्य च उपभोक्ता, स्वयं के अंदर कृत इन कर्मों का भोक्ता स्वयं होता है वो, अच्छा कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले का नाम ही जीवात्मा है, तम पदार्थ है। सविश्वरूप त्रिगुण त्रिवर्त्मा, और वह विश्वरूप वह नाना रूप वाला होता है भाई, कार्य कारण उपचित होकर के अनेक रूप वाला हो जाता है, सविश्वरूप नाना रूप वाला हो जाता है, जीते जी हो जाते हैं, अरे बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया पर टेढ़ा जुड़ गया तो टेढ़ा टेढ़ा चलना शुरू कर दिया, अब बता नाना रूप हुआ कि नहीं, अब कोई शकुनी मामा जैसे चलने लग जाए,
और सैनिकों देखते ही देखते लोगों की आदत को भी यूं करते, आदत खराब। अरे भाई तुम्हें शकुनी मामा हो रहा है क्या? देखा देखी आप आदत खराब कर लिया। वो भी टेढ़े टेढ़े चलने लगते हैं, टेढ़े टेढ़े हाथ घुमाने लगते हैं, टेढ़े टेढ़े देखने लगते हैं, नाना रूप हो जाते हैं। जीव के धड़े चित्र स्वभाव नाना रूप हो जाता है। वैसे भी हो जाए चाहो ना चाहो दाढ़ी मूछ आ जाएगी, क्या कर लोगे? अरे पड़क था क्या दाढ़ी मूछ जब पैदा हुए थे? नहीं थे। स्त्री के लिए स्तन वगैरह था क्या? कुछ भी नहीं था। बाद में सब आ गए। नाना रूप हो रहा कि नहीं हो रहा? विकारी विकार विकारी विकार परिणमते अपक्षीयते विनश्यति हो जाता है। नाना रूप हो विश्वरूप हो त्रिगुण और सत्वरजतम त्रिगुणात्मक होता है। सात्विक कर्ता राज कर्ता तामस कर्ता इत्यादि गीता में वर्णन हुआ ना, भोक्ता आदि का भी वर्णन हुआ है। और त्रिवर्तमा जीवात्मा का स्वभाव है, ये तीन मार्गों से आने जाने वाला है। तीन मार्ग कौन सा है? उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, जाय स्वम्रिय तीसरा मार्ग। या तो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाकर मुक्त हो जाएगा, दक्षिणायन मार्ग से जाएगा आदित्य लोक स्वर्गलोक आदि जाकर भोग करके पुण्य का आनंद भोग करके आ जाता है लौट के, या तीसरा वह है नहीं इस मार्ग ने स्वर्ग के लोकों में जाता ही नहीं, यही जीतता यही मरता फिर जीतता फिर जन्म लेता फिर मरता, यहीं पर मच्छर से खटमल खटमल से कुछ 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 चलते रहता है। कभी कभी भूल चुक से आदमी बन जाता है, भूल चुक से तो आदमी बन जा रहा है, तभी वो भी खटमल जैसे ही जीतता है, मच्छर जैसे ही वो आदत पड़ गया ना, वो वासना प्रबल रहता है। कोई कोई देखो ना बंदर से आदमी बना हुआ रहता है, जहाँ बैठेंगे यूँ करेंगे यूँ करेंगे, अब आदत तक समझना चाहिए बंदर से आया हुआ है। वो संस्कार वासना आ जाते हैं। किसी किसी दुर्गंध में मजा आता है, समझना सुवर बन के आया है, सुवर जन्म से जन्म में आ गया, कोई पुण्य कर्म किया होगा वहां पर भी तो मनुष्य बन गया, उसका लाभ उठाओ। चाहे कहीं से भी आप कहने का अभिप्राय यह है कहीं से बने भूल चुक से भी आ जाओगे, मनुष्यों ने मिला है ना इसका लाभ उठाओ। इसका लाभ उठाने का यही है आप साधना मार्ग में आ जाओ, अपने सकल व्यवहार को निभाते हुए निश्चित को समय निकालो साधन भजन के लिए, और उसके माध्यम से अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। त्रिवर्तमा प्राणाधिप, और प्राण का अधिष्ठाता है ये, संचरति स्वकर्म भी, अपने कर्म के द्वारा ये संचरण करते रहता है, अपने कर्म से अपने कर्म के वजह से जन्म मृत्यु के जाल में घूमती रहता है। दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, कठोपनिषद में कहा नहीं से तो हम पदार्थ विवेचन कर रहे हैं, कह रहे हैं गुणान वयति गुण ही कर्म ज्ञान कृत वासना मयैर अन्वयो यस्य सोयम गुणान्वय। गुण ही मने कर्म और ज्ञान मने उपासना, कर्म और उपासना कृत जो वासना उन वासनाओं के माध्यम वासना मयैर गुणैर अन्वयो यस्य वासनामय गुणों के द्वारा युक्त है जो, उसे कहते हैं गुणा गुणैर गुणान्वय। फलार्थस्य कर्मण कर्ता, फल के लिए ही उद्देश्य करके ही हमेशा कर्म को करने वाला, और कृतस्य कर्म फलस्य च सैव भोक्ता कृत, उन्हीं कर्मों के फल को वह स्वयं भोक्ता बन जाता है। ऐसे जो व्यक्ति अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार करता हुआ रहता है वही जीवात्मा कहा जाता है, वही तम पदार्थ का विषय है। सविश्व रूप माने नाना रूप, वह नाना रूप हो। नाना रूप कैसे? कार्य कारण उपचितत्व, कार्य कारण भाव से इस शरीर के द्वारा उपचित होता है। त्रयः सत्वादि गुणासीति त्रिगुणा, तीन जो है सत्वादि गुण होते हैं जिसका सत्गुण रजगुण तमोगुण, दिन भर में कई बार ये जो है निरंतर चलते रहते हैं। कभी आपका सात्विक विचार चल पड़ता है, सात्विक खाने की इच्छा होती है, सात्विक रूप से जीने की इच्छा रहता है, जीते भी हैं लेकिन कभी कभी रजगुण आ जाता है दिन में ही एकदम से, ठीक नहीं है गड़बड़ ऐसा है वैसा है, मारो कट फिट से उसे माजे तो थप्पड़ में मार देगा, हाथ लगे तो कोई, अरे कभी तो तमगुण आ जाता है, अरे बेकार सब सो जाओ खराटे मारेगा,
नींद नहीं आती यार, गोली खा के सो जाएगा, तो तमोगुण प्रबल हो रहा है। इस तीनों गुणों का अनुभव हर दिन हर व्यक्ति लगभग लगभग सभी करते हैं। 19-20 का फर्क है, 10-20 का फर्क होता है, हम लोगों में भी आता है, नहीं आता ऐसी बात नहीं। रजगुण है, तुलनात्मक संसार, तुलनात्मक शरीर है, और खाते पीते हैं, और खाएंगे पियेंगे तो खाए के आधार पर रजगुण तमोगुण भी आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन ये कि इतना विवेक रहता है, हमले अपनी तरह फर्क हो जाता है, तुरंत उसको कंट्रोल कर देते हैं। जहाँ रजगुण आने लग जाए चुप, ये तो दंड दूंगा तेरे को, तमोगुण आएगा जब तो दंड दूंगा तुमको, आज तो सुला गया मेरे को ना, कल तुमको सोने नहीं दूंगा, इसका दंड देना पड़ेगा। अगला दिन सो मत, मन भी सोचेगा बेचार अंदर रोज से हाथ में सोते थे, ये आदमी भला कैसा आदमी है, दिन में मैंने आधा घंटा सो लिया और रात भर नहीं सोने देता है ये, कुछ न खट 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 करते रहेगा, भरेगा, लिखेगा, पिटेगा, जब करेगा कभी कुछ करेगा, नींद होने नहीं देगा, ऐसा मन को दंडित करो तो दिन में सोना बंद कर देगा। इसे दंड देना पड़ता है। रजगुण तमगुण को ऐसे नहीं नियंत्रण में आ जाएगा सोता ही, ये खान पीन के कारण से अनेक कारणों से हो जाता है, ये उसको नियंत्रण में रखना पड़ता है। सत्वादि गुण आसी चित्रगुण त्रयो वे देव यानादेव मार्ग वेदा इति त्रिवर्तमा अस्ति त्रिवर्तमा देवयान पितृयान और जयसमृय स्व। देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग कहते हैं, पितृयान मार्ग को दक्षिणायन मार्ग कहते हैं, और जयसमृय स्व को जयसमृय स्व शब्द से कहा जाता है। धर्माधर्म ज्ञान मार्ग भेदा अस्ति वा, अतः धर्म धर्म एवं उपासना रूपी मार्ग का कारण से भिन्न भिन्न भेद को फल को मारते हैं पाते हैं। जो प्राण से पंचवृत्तिर अधिपा संचरती, और प्राण क्या है, पंचवृत्ति वाला प्राण, इसका भी अधिप, इसकी भी जो प्रशासन करता है जीवात्मा रहता है और संचर करता है। कई संचरती जन जन्मांतर क्यों प्राप्त करते हैं बार बार, कहते स्वकर्म भी, अपने कर्मों के वजह से मजबूरन ये जन्मांतरों को प्राप्त करता है। ये जीवात्मा कहाँ है और कितना लंबा चौड़ा है, हा? बता रहे हो जीवात्मा ऐसा है, त्रिमार्ग में चक्कर काटता है, करता वक्त होता है, सब ठीक है, इन रहता कहाँ है ये और कितना लंबा चौड़ा है, पहचान में आवे तब तो पकड़े उसको। इसे कहते सुन लो कितना लंबा चौड़ा, अंगुष्ट मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्म गुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः अंगुष्ट मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः। देखो भाई ये जीवात्मा पाले मोटा बुद्धि वालों के लिए समझाते हो कि मोटी बुद्धि वाले सुन लो, तुम्हारे अंगूठे के बराबर तुम्हारा आत्मा है, अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप, ये मत सोचना इतना छोटा है का मतलब वो टिमटिमा छोटा सा टार्च जैसा नहीं है, ये तो रवितुल्य रूप देखने में अंगुष्ठ मात्र है, भिन्न प्रकाश दिव्य सूर्य प्रकाश के समान प्रकाशमान है आत्मा, लेकिन वो रवितुल्य रूप हमें क्यों अनुभव में नहीं आता, कारण आप अपने ही संकल्प और अहंकार से अपने आप के स्वरूप को ढक लिए हो। संकल्प अहंकार समन्वितो यह, संकल्प कर लिया कि मैं जीवात्मा हूं, ये संकल्प करने मात्र से ही अपनी स्वप्रकाशता ढक गया, और ऊपर से आपने अहंकार भी बटोर लिए। तो क्या अहंकार कर लिया, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, इत्यादि इत्यादि, ये अहंकार घुस गया। अब तो अपने आत्मा का प्रकाश का अनुभव कहां से होना है। बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव, इतना ही नहीं, बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव,
बुद्धि का गुण क्या, अंतकरण का ज्ञान आदि, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, और आत्मगुण इनमें शरीर के गुण जरा आदि के द्वारा पीड़ित होते रहता है। अतएव समझो अपने आप को जो व्यापक परमात्म रूप था, तुमने अपने संकल्प अहंकार आदि से छोटा तो कर लिया अंगुष्ठ मात्र भर, और समझना लेकिन वो और भी सूक्ष्म है। आराग्र मात्रो ह्यपरोपि दृष्टः, आराग्य अग्र भाग के समान है, और वह अपने कर्मों से अपरोपी अगला शरीर को भी देख लेता है। यहाँ जीते हुए मरते हुए तो आपको अगला शरीर दिखाई देता है। इसको जुलूका न्याय कहते हैं, जरूर विचार कल करेंगे।